सभी को नमस्ते, मेरा नाम है रूही चैन। हम इस वक्त बुरुंडी में हैं, जिसे वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और कई अन्य आधिकारिक संस्थाओं की विश्लेषण रिपोर्टों के अनुसार पिछले 62 वर्षों में लगभग हर साल दुनिया के सबसे गरीब देश के रूप में चुना गया है। इस देश की आबादी लगभग 12.5 मिलियन है और यहां के लोग इतनी ज्यादा गरीबी में जीते हैं कि इसे दुनिया का सबसे दुखी देश भी माना जाता है। और औसत कामकाजी नागरिक की वार्षिक आय लगभग 180 अमेरिकी डॉलर है, लेकिन माना जाता है कि हर 3 में से 1 व्यक्ति बेरोजगार है। कल्पना करें कि अगर आप भाग्यशाली हैं कि आप दिन रात काम कर सकते हैं और आपको $15 मासिक वेतन मिलता है और आपको 8 लोगों के परिवार को संभालना पड़ता है। दुनिया में सबसे गरीब और सबसे दुखी देश में आपका स्वागत है। जब हम बुजुम्बुरा देश के एकमात्र डामर रनवे वाले एयरपोर्ट पर उतरे तो हम इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले देखकर चौंक गए। वे पैसों का भुगतान करने से बचने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के डेमो वर्जन का इस्तेमाल कर रहे थे। एक दुर्घटना स्थल पर जो हमने होटल के रास्ते के बीच में देखा, वहाँ पर कई सारे बच्चे एक कुत्ते के आसपास खड़े थे जिसे एक कार ने टक्कर मार दी थी। बुरुंडी गणराज्य अफ्रीका का दिल ग्रेट रिफ्ट वैली में स्थित है, जहां पूर्वी अफ्रीका अफ्रीकी ग्रेट लेक से मिलती है। इस देश का सरफेस एरिया केवल 27,834 वर्ग किलोमीटर ही है। हालांकि यहां पर रह रहे सभी लोग खेती बाड़ी करते हैं। इस वजह से ये ज्योग्राफी, जिसमें कई पहाड़ी क्षेत्र हैं, दुर्भाग्य से 12.5 मिलियन लोगों को भोजन देने के लिए पर्याप्त नहीं है। बुजुम्बुरा शहर में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। इसकी आबादी 3,80,000 लोगों की है। हम केंद्र में बुटेरेरे जिले में है। चौंकाने वाली बात यह है कि यहां पर हर जगह बच्चे हैं। मोहल्ले के बच्चे मछली पकड़ने में लगे हैं। देश की 60% आबादी 25 साल से कम उम्र की है और 45% लोग 15 साल से कम उम्र के हैं, लेकिन 3% ही 65 या उससे अधिक उम्र के हैं। उनके पास खेलने के लिए ज्यादा खिलौने नहीं है। यहाँ पर बच्चे छड़ी से टायर घुमाते हुए, बियर के ढक्कन के साथ बोर्ड गेम खेलते हुए, प्लास्टिक की बोतलों से खिलौना बनाते हुए और खोखले टायर से फुटबॉल खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। 10 साल पहले प्रकाशित संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार यहाँ पर लोगों की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी लगभग 49 वर्ष थी, क्योंकि सिर्फ 7.6% लोगों के पास ही बिजली है। इसलिए कई मोहल्लों या गलियों में फोन को चार्ज करने के लिए चार्जिंग पॉइंट है। हालांकि साल 2021 जा चुका है, लेकिन फिर भी इस देश में ज्यादातर लोग स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। यहां तक कि एयरप्लेन पर सूचनात्मक फुटेज भी पुरानी तकनीकों की छवियां दिखाते हैं। हम बुटेरेरे के चावल के खेत में है। यहाँ कुछ किसान हैं जो बुजुम्बुरा शहर के लोगों का पेट भरने की कोशिश करते हैं। देश के लगभग 86% हिस्से में इसी तरह के ग्रामीण क्षेत्र हैं। पूरी आबादी में से लगभग 90% लोग खेती करते हैं। हम दुनिया के सबसे गरीब देश में एक किसान का घर देखने जा रहे हैं, जहाँ लगभग हर कोई किसान है। चलिए चलते हैं, हम ठीक हैं। यहाँ काफी बेघर लोग रहते हैं, जिनके पास बारिश में भीगने के अलावा कोई और चारा नहीं होता है। हमें एक बच्चा बारिश के पानी का फायदा उठाते हुए नहाते हुए दिख रहा है। क्या वो उनका घर है? Yeah. सिर्फ एक कमरा? There are 8 people living in this house. It means 8 children, 2 parents. This is their bed, this one. क्या वे इस चटाई को बिछा कर सोते हैं? And this one. So they have another one, this for children. So 8 children sleep on this. They took it from the garbage there. क्या ये सभी बच्चे उनके हैं? 8 children belong to them. उसका नाम क्या है? जॉन की उम्र क्या है? 58. वो प्रति महीने कितने पैसे कमाते हैं? उनका सबसे बड़ा बेटा कितने साल का है? वो अब क्या करता है? He has gone to garbages to collect his different things. आपके समय के लिए शुक्रिया। वो कैमरे से कुछ कहना चाहते हैं? बीन्स उगाने वाला जॉन एक महीने में $10 कमाकर अपने परिवार को पालने की कोशिश कर रहा है, और परिवार के सभी 10 सदस्य एक ही कमरे में फर्श पर सोते हैं। उनके घर में बिजली भी नहीं है, लेकिन जॉन की स्थिति अभी भी कई लोगों से अच्छी है, जिनसे अब हम मिलेंगे। बुरुंडी में लगभग हर जगह आपको लोग दिखाई देंगे, जो कि अफ्रीका का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। हर 1 किलोमीटर वर्ग में 451 लोग हैं, और इनमें से लगभग 70% से भी ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। हर 20 में से 1 व्यक्ति की मौत कुपोषण या खाना न खाने की वजह से होती है। आज की तारीख में 1 अमेरिकी डॉलर की कीमत लगभग 2000 बुरुंडियन फ्रैंक के बराबर है। हालांकि इस कीमत पर डॉलर को खरीदना लगभग नामुमकिन है। कोई ब्लैक मार्केट से कुछ डॉलर प्रदान कर सकता है, और $1 को बुरुंडियन फ्रैंक में कन्वर्ट करने पर लगभग 3000 बुरुंडियन फ्रैंक मिलते हैं। तो इस हिसाब
हिसाब से उनका सबसे मूल्यवान बैंक नोट 10,000 फ्रैंक का है, यानी कि लगभग 3.3 अमेरिकी डॉलर। क्योंकि बुरुंडी में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं है, इसलिए अन्य देशों में जो नौकरियां मौजूद है वो यहां मौजूद नहीं है। हम कई सारे प्रोफेशनल्स का इंटरव्यू करने जा रहे हैं, जिनमें पुलिसमैन या कारपेंटर्स भी शामिल है। जिस भी व्यक्ति के पास साइकिल है उसे बुरुंडी में एक पेशा माना जाता है। ये लोग किसानों के उत्पादों को बाजारों में पहुंचाकर अपने जीवन का गुजारा करते हैं। वो इस भार को कितने दूर तक लेकर जाता है? One ton, they might go and get back around 9 hours. They went at 4 a.m. उन्होंने चप्पल भी नहीं पहनी है। क्या वे बीमार नहीं पड़ते? In fact, they are taking them from another province, countryside. They earn 3,000 per day, approximately 90 cents. मतलब कि अन्य लोगों की तुलना में उनके हालात अच्छे हैं। Yeah, but they work hard. Imagine riding from one province to another, lot of kilometers, many hours. They also pay tax for that. नंगे पांव, फटे कपड़े, ये साइकिल चालक जो हर दिन मात्र 90 सेंट कमाकर अपने कई सारे बच्चों वाले परिवार की देखभाल करते हैं, उन्हें शहरों के बीच कभी कभी 100 से 150 किलोमीटर की यात्रा करके हर दिन 10 से 12 घंटे तक अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है। 200 किलोग्राम का भार साइकिल को 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पीछे करता है। पैदल चलने वालों, वाहनों या सड़क के मोड़ या टायर फटने पर ब्रेक के काम न करने से परिणाम बहुत भयानक हो सकते हैं। जीवन जीने की जंग में लोग अपनी ऊर्जा और समय को बचाने के लिए अपनी साइकिल को ऊपर की ओर धकेलते हुए ट्रकों के पीछे वाले हिस्से को पकड़ते हैं। दूसरी ओर कुछ साइकिल चालकों को जब पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं मिलता है तो वे सामने वाली साइकिल को पकड़ लेते हैं, और ऐसा होने पर एक्सीडेंट होना तय है। हाईवे अथॉरिटी के मुताबिक बुरुंडी में करीब 12,000 किलोमीटर सड़कें हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 14% ही डामर से बनी हुई है। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो बारिश के बाद बने कीचड़ के गड्ढे में अपनी साइकिल को धो रहे हैं। कुछ लोग बारिश में भीगे कपड़ों को सड़क पर बने हुए बिजली के ट्रांसमिशन टावर पर सुखाते हैं, क्योंकि उनके पास घर नहीं है। हम हाईवे पर साइकिल चालकों की मीटिंग और ईटिंग पॉइंट पर हैं। वो क्या है? This is sweet potato, 100 Burundian cents. वो हर महीना कितना कमा लेती हैं? 5,000 Burundian cents, which is around $1.5. वो कितना कमा लेती हैं? And there are kids that are helping them selling mushrooms and whatever. The husband abandoned her. क्या उसके कोई बच्चे हैं जिनकी मृत्यु हो गई हो? One kid, 3 years. Egg is 500. The benefit for one egg is 100. एक कटोरी का कितना? One plate is 500. They earn 2,000 per day. So they use 1,000 for food. They save 1,000 to pay the rent at the end of the month. वे आमतौर पर आलू और बीन्स ही खाते हैं, क्योंकि उनकी ऊर्जा के खाद्य स्रोत बहुत सीमित हैं। भीख मांगना यहाँ बहुत ही आम बात है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके पास नौकरी है या नहीं। कुछ लोग छोटी उम्र से ही किसी विदेशी को देखते ही मदद मांगने लगते हैं। हमारी गाड़ी बार बार खराब हो रही है और लोग लगातार पैसे मांग रहे हैं। पेड़ की वजह से ट्रक चट्टान से नीचे गिरने से बच गई। जिनके पास साइकिल नहीं है वे दिन रात केवल 50 सेंट कमाने के लिए अपने सिर पर केले या अन्य भार उठाते हैं। कभी कभी वे बिना चप्पल के भी चलते हैं और उन्हें गांवों से कोसों दूर शहरों तक पहुंचाते हैं। ये लोग जो एक शहर से दूसरे शहर तक पैदल चलकर जाते हैं, इससे उनके शरीर पर असर तो पड़ता ही है, लेकिन साथ साथ वे बहुत थक भी जाते हैं। बुजुम्बरा सिटी मार्केट उनका आखिरी स्टॉप है। ज्यादातर प्रोडक्ट्स को सीधे किसान द्वारा बेचा जाता है, क्योंकि प्रोडक्ट्स को प्रोसेस या पैकेज करने के लिए सही टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं है। You know, these are the people who transport for other people. By car, we can get 1,000. सच में? देश के सबसे बड़े शॉपिंग सेंटर में ज्यादातर खाने की ही चीजें उपलब्ध हैं। वे इस जगह को कोटेबू कहते हैं। कुछ लोगों को यहाँ पर कैमरा पसंद नहीं है, उन्हें इसकी आदत नहीं है। ये जगह लोगों से भरी पड़ी है। हम 1,35,000 की आबादी वाले देश के दूसरे सबसे बड़े शहर और राजधानी गीतेगा की ओर जा रहे हैं। वो
China. Yes. You guys. China. If we can take a limited time, not more than 5 minutes. देश के कोने कोने में राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है। हमारा ड्राइवर आज एक जैकेट पहने हुए है और पुलिस चेकपॉइंट से बचने के लिए कार के फ्रंट कंसोल पर एक बाइबल भी रखी हुई है। पुलिस चेकपॉइंट्स की शुरुआत यहां से होती है। हमारे गाइड के हिसाब से ये लोग लीडिंग पार्टी के यूथ ब्रांचेस हैं और वे पहचान की जांच करने के लिए सड़क को बंद करके रखते हैं। हमारे ड्राइवर ने पुलिस को चेकपॉइंट पर सारे दस्तावेज दिखाए, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारी कार को टो कर दिया जाएगा क्योंकि गाड़ी की विंडशील्ड में दरार आ चुकी है। ड्राइवर शांति से पुलिस के साथ बात करता है और उसे 5,000 बुरुंडियन फ्रैंक की रिश्वत भी देता है, जिसकी कीमत लगभग $1.6 है। वे एक महीने में कितना कमाता है? मुझे लगता है कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए। I want to say something. Thank you. This is the investment you give me. I will buy 2 wood so that my job continues. वो प्रति माह कितना कमाता है? $10। और वो लोगों की सवारी लेता है? या मोटो टैक्सी। हमने कार में एक पुलिस अधिकारी को ये समझने के लिए बिठाया कि वे जो सिविल सेवक हैं, बिना रिश्वत लिए गुजारा कैसे करते हैं। एक पुलिस अधिकारी महीने में कितना कमा लेता है? $14। लेकिन क्या आप जानते हैं उन्हें रिश्वत के जरिए भी पैसे मिलते हैं? They just get the money to drink beer. They don't get a lot from it. रोज कितने घंटे काम करते हैं? हमारे ड्राइवर ने गाड़ी साइड में रोक दी क्योंकि वहाँ से प्रधानमंत्री और उनके लोग गुजर रहे थे। उसने बड़े सम्मान के साथ कहा कि कॉन्वॉय के गुजरने पर गाड़ी को चलाना मना है। अब कल्पना करें कि 8 लोगों के परिवार में कितनी सारी चीजों की जरूरत होगी, लेकिन परिवार में रह रहे मुख्य लोग हर महीने 50,000 फ्रैंक के आसपास ही कमा पाते हैं। 1 लीटर दूध 5,500 का है, 1 लीटर सनफ्लावर तेल 9,000 है, 170 मिलीलीटर शैम्पू 8,000 का है, 1 किलो चीनी 8,500 की है, 1.5 लीटर पानी 1,500 का है। यहाँ तक कि ये लिस्ट जिसमें सब्जियां या मांस भी शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक परिवार की सीमा से परे है। 1 चॉकलेट 2,500 की है, बिस्कुट का एक पैक 2,000 का है, 1 रेड बुल 6,500 की है, 750 ग्राम चॉकलेट हेजल नट 18,000 की है, 1 लीटर ऑलिव ऑयल 29,000 का है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि वे यहाँ पर मांस को रेफ्रिजरेटर में नहीं रखते हैं। तरबूज कितने का है? 4,000। कैमरे को नीचे रखो। एक एवरेज अमेरिकन सिटीजन का पूरा वार्षिक वेतन अर्जित करने के लिए एक एवरेज बुरुंडियन सिटीजन को लगभग 230 वर्षों तक बिना कोई पैसे खर्च किए काम करना होगा। वे यहाँ इंसानों पर निर्भर करते हैं। वो ऊपर की ओर ईंट फेंकता रहता है। इन ईंटों का इस्तेमाल नए घर के निर्माण के लिए किया जाएगा और इन्हें बिना किसी फायरिंग प्रोसेस के मिट्टी के मिश्रण के जरिए बनाया जाता है और फिर धूप में सुखाया जाता है। इसके कुछ 100 मीटर आगे और गली के बीचों बीच एक आदमी शायद भूख के कारण बेहोश हो रहा है। इस बच्चे को इस तरह देखना बहुत ही दुख की बात है कि इसके हाथ नहीं है और वो अपने भाई को उठाने की कोशिश कर रहा है। ये देखकर हमारे दिमाग में बस एक ही बात चल रही है कि ये बच्चा 20 या 30 साल का होने पर अपना जीवन जीने के लिए क्या काम करेगा। अब हम स्कूल में हैं। इनमें से ज्यादातर बच्चे अपनी शिक्षा पूरी करने के बजाय नौकरी पर रखे जाने की संभावना रखते हैं। देश के केवल 32% छात्र ही अपनी माध्यमिक शिक्षा पूरी करते हैं। 1% से भी कम लोग विश्वविद्यालय में जाते हैं। देश में केवल एक ही स्टेट यूनिवर्सिटी है और वो है यूनिवर्सिटी ऑफ बुरुंडी। सपने क्या है? They believe that attending the school to become great people in the future. वे बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? अब बच्चों को उनके स्कूल से लौटते हुए देख रहे हैं। वे कितनी देर तक पैदल चलते हैं? He walked for an hour. बच्चों इस तरफ आओ। दूसरों का क्या? 30 minutes. There are some who go for 2 hours. 2 घंटे बस घर जाने के लिए? Yes. जिनके पास बैग नहीं है वे अपनी किताबों को अपनी ड्रेस में डालकर ले जाते हैं। सफेद रंग में भीगे हुए ये व्यक्ति जिन्हें हमने गुजरते हुए देखा, वे कसावा आटा बना रहे हैं जिसकी जड़ में भरपूर मात्रा में स्टार्च होता है। So you see, this is the flowers for cassava.
We have what we call ugali. Ugali is cassava bread. क्या वे इससे ब्रेड बनाते हैं? Yeah, out of this. They earn per month less than 20,000 Burundian francs. Is less than $10. वे कितने घंटे काम करते हैं? वे कहाँ रहते हैं? Mubahe. They sleep here. हम कारपेंटर के पास गए. क्या ये सारे सामान बनाता है? Doors, cupboards and something else. हम सहार हचुम मोस्ट हचुम बुरा हम लोग दही भी हों हचुम. हम ट्रैफिक पर रुके हुए हैं और एक के बाद एक सेलर्स हमारे पास आते जा रहे हैं. The two of them, I buy it for 2,000. एक पीस कितने का है? A piece is 1,000. They produce palm oil. वे तार को मशीन से फेंक देते हैं और बीच में से तेल को इसमें से अलग करते हैं. फिर वे इन पूल को तेल से भरते हैं और उन्हें शुद्ध करने के लिए पकाते हैं. इसका इस्तेमाल खाने के साथ साथ साबुन बनाने में भी किया जा सकता है. प्रोफेशनल एडवर्टाइजिंग के लिए दुकानदारों के पास पर्याप्त बजट नहीं है, इसलिए वे लोकल पेंटर्स की मदद लेते हैं. ये आर्ट वर्क दुकान के प्रतीक के बजाय ब्रांड को प्रमोट करते हैं. देश की सबसे आम जरूरतों को पूरा करने का जिम्मा एकाधिकार कंपनियों के हाथों में है. चीनी, कॉफी या सीमेंट बनाने वाली मात्र एक कंपनी है और ये फैक्ट्रीज 3 से 4 मीटर ऊंची दीवारों से घिरी हुई हैं. क्योंकि ज्यादातर लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, इसलिए हम शहरों से बाहर निकलकर गांवों की यात्रा करते हैं ताकि हम वहां के हालात देख सकें. हम ग्रामीणों का बोझ कम करने के लिए खरीदारी कर रहे हैं जिनके हालात बहुत खराब हैं. मात्र $15 में पर्याप्त कसावा आटा खरीद रहे हैं ताकि हम कम से कम 30 लोगों को खिला सकें. शनिवार को देश में सार्वजनिक सफाई का दिन होता है. सरकार के प्रोत्साहन की वजह से लोग आज सड़कों पर झाड़ू लगा रहे हैं और शहर की सफाई कर रहे हैं. भुजुम्बुरा के ठीक बाहर शहर के कब्रिस्तान में हमें देखते हुए बहुत हैरानी हो रही है कि यहाँ जीवन के बाद भी वर्ग भेद जारी है. आप मेरे पीछे एक अमीर व्यक्ति का कब्रिस्तान देख सकते हैं. इस औरत ने अपने लिए एक प्राइवेट जगह खरीदी है और यहाँ कोई भी आ जा नहीं सकता है. ये जगह मिडिल क्लास लोगों के लिए है और ये गरीब लोगों के लिए है. पुलिस ने हमें रोक लिया, अब वो हमें कहीं ले जा रहे हैं. उसका कहना है कि यहाँ पर शूट करना मना है और हमें इसके लिए जेल भी हो सकती है. हमसे $50 लेने के बाद उसने हमारा पासपोर्ट वापस कर दिया और वापस चला गया. 7 दिसंबर 2021 को पुलिस द्वारा हमें गीतेगा जेल में डालने की धमकी देने के ठीक एक हफ्ते बाद इस जेल में आग लग गई और उस आग में 38 कैदियों की मृत्यु हो गई. आंकड़ों के अनुसार आग से संबंधित दुर्घटनाओं में बुरुंडी दुनिया का तीसरा सबसे खराब देश है. उसकी उम्र क्या है? ये बहुत छोटा है. यहाँ पर बहुत सारे मच्छर हैं और यहाँ पर भी हैं. वो कहाँ पर सोती है? इस तरफ से इस तरफ. अपने 4 बच्चों के साथ? Her husband died and 3 other children died. So she remains with 1 boy. क्या वो भीख में मिलने वाले पैसों से अपना गुजारा कर पाती है? In fact, she begs food, not money. तो ये सब सामान उसने भीख मांगने से जमा किए है ना? और वहाँ पर कुछ केले रखे हुए हैं, तो ये उसका आज का खाना है. एक और डाल दो. उनकी उम्र क्या है? वो नहीं जानते कि वो कितने साल के हैं. क्या वो वहीं सोते हैं? Yes. और वो खाना कहाँ पर बनाते हैं? Yeah, it is the same place. तो ये उनके पूरे कपड़े हैं? These are his clothes. वो यहीं पर खाना बनाते हैं और उनके पास वहाँ कुछ लकड़ियाँ भी रखी हुई हैं. आपको कुछ बर्तन और कढ़ाई दिख रही होगी. उनके पास केवल एक जोड़ी जूते हैं. उनके कपड़े फटे पुराने हैं. आप शायद सोच रहे होंगे कि उनकी अलमारी में कितने कपड़े होंगे. सच तो ये है कि उनके पास अलमारी ही नहीं है. यही इनके हालात हैं. This is his son. वो क्या काम करता है? He brings food for cows. क्या उसके पास साइकिल है? No, he carries. क्या वो भीख मांगने गया था? ये घर शायद दुनिया के सबसे गरीब देश के सबसे गरीब व्यक्ति का हो सकता है. अन्य देशों में किसान अपने पशुओं के लिए इस तरह की जगह का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ के लोग वास्तव में इस तरह के घरों में रहते हैं. आप एक ऐसी महिला का घर देख रहे हैं जो एक भिखारी के रूप में जीवित रहने की कोशिश कर रही है. ये पूरी जगह है. आप दीवार में छेद देख सकते हैं. बारिश होने पर वो अपनी रक्षा भी नहीं कर सकती है. दीवार बनाने के लिए यहाँ बोरे, प्लास्टिक बैग और ब्रश वुड है. भुखमरी की वजह से यहाँ पर कई सारे लोगों की जान चली जाती है. जो लोग जीवित रहते हैं उनके हालात कुछ इस तरह है. आमतौर पर लोगों के कितने बच्चे होते हैं? उसके कितने बच्चे हैं? So she's not sure of her kids, how many they are. वो नहीं जानती. She thinks they were 6 because they all went away. She doesn't know. क्या वो जो उगाती है उसे बेचती है? No, we just cultivate for eating.
यहाँ लोगों ने पैसे कमाने की कोशिश करना बंद कर दिया है क्योंकि देश का इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इतना सॉलिड नहीं है। इसलिए वे पैसों का इस्तेमाल करने के बजाय अपने द्वारा उगाई जाने वाली चीजों को बेचकर खरीदारी करते हैं। क्या वो जानते हैं हम किस साल में जी रहे हैं? वो जवान महिला भी नहीं, वे अपने साथ पैसे नहीं रखती है ना? क्या उन्हें अपनी करेंसी के बारे में भी नहीं पता है? They don't even have information what is happening. Their job is to cultivate and eat what they cultivate. बहुत सी चीजें उगाई गई हैं। यहाँ के लोग जमीन को खाली छोड़कर आराम नहीं करते हैं, बल्कि वे लगातार पौधे लगाते रहते हैं। यही एकमात्र तरीका है जिससे लोगों को कुछ खाने को मिल सकता है। हो सकता है कि स्वीट कॉर्न सामान्य गति की तुलना में दो गुना धीमी गति से बढ़ रहे हों, और इस तरह के कारक उनकी भूख की समस्या में एक और परेशानी जोड़ देते हैं। This is his wife. उन्हें एक साथ बाहर बुलाइए। हम एक युवा परिवार के साथ खड़े हैं। क्या उनके बच्चे हैं? बच्चा कहाँ है? क्या आप दिखा सकती हैं? ये बहुत सुंदर है। सैमुअल 16 साल का है। वो आज तक स्कूल नहीं गया है और वो अभी से ही तीन लोगों के परिवार की देखभाल कर रहा है। उनके यहाँ कोई टॉयलेट नहीं है, इसलिए वे बाहर खुली जगह का इस्तेमाल करते हैं। ये किचन है, वे इस जगह का इस्तेमाल खाना बनाने के लिए करते हैं। इस पानी का इस्तेमाल रात का खाना बनाते समय किया जाता होगा। उसके पास बस एक ही कैजुअल आउटफिट है, वो इसे ही हर दिन पहनता है। उसका कहना है कि उसके पास एक और साफ सुथरी आउटफिट है, लेकिन वो केवल प्रार्थना करते समय ही उसे पहनता है। उसका धर्म क्या है? ज्ञात आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार देश में 20% महिला आबादी को 18 साल की उम्र से पहले ही शादी करने के लिए मजबूर किया जाता है। बुरुंडियन बच्चों को एक आशीर्वाद के रूप में देखते हैं। उनके यहाँ प्रति महिला के औसत तौर पर 5.5 बच्चे होते हैं। 2021 की रिपोर्ट के अनुसार बुरुंडी की जनसंख्या वृद्धि दर दुनिया में तीसरी सबसे तेज है। पिछली पीढ़ी के कुछ पुरुषों के लिए एक से अधिक महिलाओं के साथ 25-30 बच्चे पैदा करना भी काफी आम बात है। यूनाइटेड नेशंस के आंकड़े बताते हैं कि बुरुंडी में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं खाया जाता है। ये दुनिया का तीसरा देश है जो जनसंख्या के अनुपात में सबसे कम मांस खाता है। दूसरा सबसे कम मांस खाने वाला देश भारत है और पहला बांग्लादेश है, और इन दोनों ही देशों में शाकाहार बहुत आम है। इसी रिपोर्ट के अनुसार औसतन देखा जाए तो एक व्यक्ति एक दिन में केवल 14 ग्राम मांस खाता है, और मांस कुल भोजन खपत का केवल 2% है। आयरन, विटामिन ए, आयोडीन और जिंक जैसे महत्वपूर्ण पोषक की कमी होने की वजह से IQ लॉस होता है और शारीरिक विकास में कमी आती है। यहाँ पर एनीमिया होना बहुत ही आम बात है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम द्वारा किए गए शोध से पता चलता है कि इन कारणों की वजह से हर 5 में से एक बच्चा 5 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले ही अपनी जान गंवा देता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से बुरुंडी में हर 35,000 लोगों के लिए केवल एक डॉक्टर ही उपलब्ध है। यहाँ पर रह रहे 2 मिलियन लोग आज तक अस्पताल नहीं गए हैं। हम अब वापस नीचे बुजुम्बुरा लौट रहे हैं। हमारे ड्राइवर का एक हाथ हमेशा हैंड ब्रेक पर होता है क्योंकि उसे कार के ब्रेक्स पर भरोसा नहीं है। ये बहुत खतरनाक है। कमजोर ब्रेक वाली कार में सफर करने के बाद हम गैस भरवाने के लिए रुके। लंबी लाइन में इंतजार करने के बाद हमने 80 सेंट प्रति लीटर के रेट से पेट्रोल भरवाया, यानी कि 2400 फ्रैंक में। आज शहर में अफरा तफरी का माहौल है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए केवल एक साइकिल का इस्तेमाल करते हुए 4 जनों का एक परिवार रविवार को चर्च सर्विस में भाग लेने के लिए जा रहा है। हम रविवार को चर्च द्वारा आयोजित कार्यक्रम में आए हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि लोग एक दूसरे से मिले जुले। लगभग 84% लोग ईसाई है, 2.5% मुस्लिम है, और बाकी के लोग इमाना नामक देवी को मानते हैं जो उनकी पुरानी धार्मिक मान्यताओं का एक हिस्सा है, या किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं। अब आपको ट्रेडिशनल बुरुंडी म्यूजिक सुनाई देगा, वे इस पर डांस भी करेंगे। ये सॉन्ग उनकी भाषा किरुंडी में है। इसका इस्तेमाल एक बार दुश्मन को युद्ध के लिए बुलाने के लिए भी किया गया था। नब्बे के दशक में बुरुंडी साम्राज्य जर्मन ईस्ट अफ्रीका का हिस्सा बन गया था, और बाद में पहले विश्व युद्ध में जर्मनी की हार के बाद इसे बेल्जियम भेज दिया गया था। बेल्जियम सरकार, जिसने सभी क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति कायम की है, उसने 1933 में जातीय भेदभाव की शुरुआत की थी और निर्धारित भौतिक विशेषताओं के आधार पर लोगों को पहचान पत्र वितरित करके आर्टिफिशियल रूप से अलग अलग वर्गों का निर्माण किया था। डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर के हिसाब से 85%, 14% और बाकी 1% आबादी में अलग अलग कई सारे वंश शामिल हैं। The one who brought independence, he was killed here while he was in the meeting of independence. He was killed by Belgium. क्या यहाँ के लोग बेल्जियम से नफरत करते हैं? No, we don't hate them because first of all they educated us. We use their educational system. Everything officials we copy Belgium, and that's why we even speak French. They are our colonizer.
and we take them as our tutor. हालांकि 1 जुलाई 1962 तक बेल्जियम का राज चला और इसके बाद बुरुंडी ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की, लेकिन लोगों के लिए अपनी जाति को दर्शाने वाला एक आईडी पहचान पत्र रखना अनिवार्य हो गया और ये संघर्ष जो 2005 तक जारी रहा और इस वजह से देश में लगभग 300,000 लोगों की जाने गई। यहां के लोग अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं क्योंकि बेल्जियम अपने साथ ईसाई धर्म भी लेकर आया था। एक बहुत ही मशहूर अफ्रीकी कहावत है, जब मिशनरी अफ्रीका आए तो उनके पास बाइबल थी और हमारे पास जमीन थी। उन्होंने कहा, आइए प्रार्थना करें। हमने अपनी आंखें बंद कर ली। जब हमने अपनी आंखें खोली तो हमारे पास बाइबल थी और उनके पास जमीन थी। अतीत में हुई कई सारी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं या एड्स के कारण अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के अलावा पैसों की तंगी होने की वजह से भी कई परिवार अपने बच्चों को छोड़ देते हैं। SOS चिल्ड्रन विलेज ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से आज देश में अनाथों की आबादी लगभग 6,10,000 है, यानी कि देश की कुल आबादी का 5%। इन सभी अनाथ बच्चों से जबरदस्ती काम करवाया जाता है। उनमें से ज्यादातर बच्चों को अनुचित काम करने के लिए मजबूर किया जाता है और कुछ को सामान की तरह बेच दिया जाता है। US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के आधिकारिक शोध के हिसाब से कुछ बुरुंडियन बच्चों को युगांडा के एक गरीब क्षेत्र करामोजा में लाया जाता है और जबरदस्ती खेती और अनुचित काम करवाए जाते हैं। 2020 में सरकार और नागरिक समाज के जरिए पता चला था कि तस्करों के करामोजा के पूर्वी क्षेत्र के बाजारों में बच्चों को लगभग 50,000 युगांडा के शिलिंग में बेच दिया, जो लगभग $15 होते हैं। ठीक एक महीने पहले 5 जनवरी 2022 को नेशनल एजेंसी के लोगों ने और राज्य सेवाओं के विभाग की एक टीम ने एक मध्यम उम्र की बुरुंडियन महिला और उसके 3 बच्चों को बेचे जाने से बचाया। नेशनल एजेंसी के स्पोक्सपर्सन अडाकोए विंसेंट का कहना था कि महिला सिनिरी मेरा बिजीमाना और उसके 3 बच्चों मुरवानेजा मेसी, अकीमना बेथल और उमविजा कॉलिंस को एक मिट्टी के घर से बचाया गया था। उनकी यात्रा के दस्तावेज और अन्य सामान को जब्त कर लिया गया है। बुरुंडी, केनिया और दक्षिण सूडान के पीड़ितों को आमतौर पर अन्य देशों, विशेष रूप से मध्य पूर्व क्षेत्र के मार्ग से युगांडा छोड़ दिया जाता है। इस साल के आंकड़ों के अनुसार बुरुंडी, जो कि दुनिया में सबसे कम इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाला 4th देश है, यहां पर सिर्फ 13% ही लोग ऐसे हैं जो इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तमाम खामियों के बावजूद देश का मोटो एकता, काम और विकास है। झंडे पर लगा हुआ लाल रंग स्वतंत्रता के लिए किए गए संघर्ष को दर्शाता है, हरा रंग भविष्य के लिए उम्मीद को दर्शाता है और सफेद रंग शांति को दर्शाता है। बीच में लगे हुए 3 सितारे देश में रहने वाले समुदायों को दर्शाते हैं। हालांकि हाल ही में विद्रोह को बढ़ावा देने से रोकने के लिए प्रतिबंध लगाया गया है, पब्लिक एक्टिविटी के रूप में यहां लोग जॉगिंग करते हैं, जिसे अनुमति लेकर आयोजित किया जाता है। यहां का सबसे मशहूर स्पोर्ट फुटबॉल है। यहां पर रह रहे कुछ युवाओं का सबसे बड़ा सपना देश के किसी फुटबॉल क्लब में जाने का होता है। दूसरी ओर जो एथलीट वीजा पर कॉम्पिटिशन के लिए यूरोप गए और वापस नहीं लौटे, उनकी लिस्ट काफी लंबी है। इसी तरह की घटना 2011 में भी हुई थी, जब सेनेगल के एक क्लब के सभी खिलाड़ी पेरिस में मैदान पर नहीं उतरे थे, जहां गेम खेलने गए थे और अवैध रूप से फ्रांस के चारों ओर फैल गए थे। हम दुनिया की दूसरी सबसे गहरी नदी के किनारे पर खड़े हैं, जहां लोग स्विमिंग करने आते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहां पर चारों ओर कचरा है। ये स्विमिंग करने की एक आदर्श जगह नहीं है। इसके अलावा लोगों का कहना है कि यहां पर बड़े बड़े मगरमच्छ भी हैं। तांगानिका नदी के तट पर बसे गांवों में रहने वाले लोग मछली पकड़ने में लगे हुए हैं। शहर से कुछ किलोमीटर दूर स्थित ये देश का सबसे मशहूर बीच है, सागा बीच। तांगानिका के तट पर एक समुद्र तट है और कुछ दशक पहले ये गुस्ताव नाम के एक मगरमच्छ का घर था, जिसके बारे में माना जाता है कि उसने लगभग 300 लोगों की जाने ली और उसका वजन 1 टन के करीब है। लोगों का शिकार करने का शौक रखने वाले गुस्ताव ने कभी कभी पकड़े हुए लोगों को छोड़ा भी है और कई बार बेजान लाशों को भी पानी की सतह पर छोड़ जाता था। 12 meters. वे नावों जैसे दिखने वाले इस ताबूत में बैठते हैं, इन्हें बाटो कहा जाता है और ये नावें बहुत पुराने जमाने की लगती है। उसमें पानी भर रहा है, उनको चिपकाया गया है। एक आदमी लगभग 30 फीट पकड़ता है, हर महीने कितना कमा लेता है? They earn more than 100 a month. People who fish, they actually earn a lot of money. बाकी लोग ये काम क्यों नहीं करते? Some people think that maybe they are not skilled enough. क्या इस नदी में मगरमच्छ है? This is the size. कैसे कोई लोग हैं जिन्होंने मछली पकड़ने के दौरान अपनी जान गंवाई? So they lost their lives falling and it is deep. अनुभवी मछुआरे सतह पर उठने वाले बुलबुले देखकर खतरे को भांप सकते हैं। मगरमच्छ जो इंसानों का स्वाद जानते हैं, वो पानी में छिप जाते हैं। जब वे मछुआरों को अपनी नावों में देखते हैं तो वे हमला करते हैं। लोग यहाँ कड़ी मेहनत करके अपने घरों की जरूरतों को पूरा करते हैं और हम यहाँ बहुत ही कम समय के लिए उनके जीवन पर एक नजर डालने के लिए आए हैं। हम नदी में और आगे जा रहे हैं। ये आदमी इसमें मछली पकड़ेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी बाटों में पानी भर रहा है। हमें इस पानी को लगातार निकालते रहना पड़ता है। अगर कोई एक हफ्ते तक इसमें से पानी नहीं निकालेगा तो ये नाव शायद पानी के बीच होगी। ये हर दिन का काम है और ये बहुत ही मुश्किल है।
उनका कहना है कि यहाँ कई मगरमच्छ हैं, लेकिन बच्चों को भी इस तरह के जीवन जीने की आदत हो गई है। ये उनके लिए बाकी दिनों की तरह ही एक आम बात है और इसी तरह वे जीवित रहते हैं। बुरुंडी में जीवन जीना बहुत मुश्किल है। हालांकि इसका बहुत नाम नहीं है, लेक तांगानिका, जिसका बहुत महत्व है। ये दुनिया भर के मीठे पानी का लगभग 16% है। इसे दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी गहरी झील का भी खिताब दिया गया है। अब जबकि पीने के पानी की कमी बहुत नजदीक आ गई है और इसमें दुनिया के ताजे पानी की मात्रा का 16% है, इसलिए अगले दशकों में इसका बेतहाशा फायदा उठाया जा सकता है। बुरुंडी ज्यादातर कॉफी, चाय, कॉटन, आलू, बीन्स, कसावा आटा, भुट्टे और केले एक्सपोर्ट करता है। जिन देशों में ये चीजें बेची जाती हैं, उनका नाम है बेल्जियम, चीन, युगांडा, केन्या, सऊदी अरब और भारत। 2020 में देश ने एक्सपोर्ट से लगभग $161 मिलियन कमाए, लेकिन एक्सपोर्ट से $908 मिलियन खर्च किए। आमतौर पर इन कीमतों के बीच का अंतर अन्य देशों के लिए कम है, लेकिन बुरुंडी के घाटा खाने की दर दुनिया भर के एवरेज से भी कई गुना ज्यादा है और वे 50% सोना बेचते हैं। संयुक्त अरब अमीरात बुरुंडी से सोना खरीद रहा है और उसको और भी ज्यादा खूबसूरत बनाकर दुनिया भर में बहुत भारी दाम पर बेच रहा है। जब बुरुंडी के राष्ट्रपति पियरे नकुरुनजीजा ने चुनाव लड़ने का फैसला किया और जीत हासिल करने के बाद कुछ कानूनों का उल्लंघन किया, तब पश्चिमी दुनिया ने देश की बहुत ज्यादा आलोचना की थी। बाद में साल 2015 में राजनीतिक संकटों की वजह से बुरुंडी को पश्चिमी दुनिया से प्रतिबंधित कर दिया गया और उसने अपने आर्थिक संबंध खो दिए। हालांकि देश में बेरोजगारी कितनी है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन माना जाता है कि हर 3 में से एक व्यक्ति बेरोजगार है। हालांकि बुरुंडी इक्वेटर के करीब स्थित है, लेकिन इसकी हाई ऑल्टीट्यूड की वजह से इसका वातावरण थोड़ा नम है। तापमान ज्यादातर पूरे साल समान ही रहता है और लगभग 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रहता है। देश में साल में 2 बार बारिश का मौसम होता है, सितंबर नवंबर में और फरवरी मई में। पहाड़ी इलाकों और काटे जाने वाले पेड़ों की बढ़ती गिनती की वजह से देश में बाढ़ के आने से होने वाली परेशानी के प्रति कमजोर हो गया है। पिछले कुछ वर्षों में बाढ़ की बढ़ती संख्या की वजह से कई लोगों के घर तबाह हो गए हैं और उनकी खेती करने की जमीन, जो उनकी इनकम का सोर्स है, वो बर्बाद हो गई है। गटुम्बा शहर में अप्रैल 2020 में आई बाढ़ की वजह से लोगों का 90% तक सामान बर्बाद हो गया था। ये देश उस पेड़ की तरह है जिसके पत्ते महीने दर महीने झड़ते जा रहे हैं। यहाँ पर लोग उम्मीद लगाकर बैठते हैं कि वसंत का मौसम आएगा, लेकिन अफ्रीका के केंद्र में मानवता अभी तक समस्याओं से बाहर निकलने में कामयाब नहीं हुई है। इस डॉक्यूमेंट्री में हमने दुनिया के सबसे गरीब देश और उनके लोगों के बारे में जाना। हमने भूख से तड़पते हुए समाज की मायूसी भरी कहानी देखी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के जरिए आप इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने में हमारे द्वारा इस्तेमाल किए गए सोर्सेज के बारे में अधिक जान सकते हैं। हमारे अगले पड़ाव पर एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, जो कि युगांडा है। हमें सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारा वीडियो मिस न करें। रूही चैनत यहाँ पर था।